अभी राम अखिलेश यादव भी जाएंगे राम मंदिर, अभी जब सरकार आनी 27 में बननी होगी तो सब वहाँ दौड़ेगा, राम मंदिर के नाम पे राजनीति करेगा। अभी क्यों नहीं जाएंगे? अभी नहीं जाएंगे ना, वो इतना बड़ा काम हो रहा है अयोध्या में, इसलिए वो नहीं जा रहे। और किसी के सरकार नहीं कर पाई ना, तो बीजेपी सरकार बहुत बड़ी काम कर पाई, इसलिए उनको सब अपना पीछा छुड़ाना है। और जब चुनाव आएगा तो सब राम हिंदुओं का वोट लेने के लिए जरूर जाएंगे वहाँ अयोध्या में। राम तो सबके है ना, कोई लाया ही ना, बिल्कुल यही तो बात है, वही तो जो आप कह रहे हैं हम भी कह रहे हैं वही। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि वहाँ तो वो बना देना चाहिए, हॉस्पिटल बना देना। हॉस्पिटल बन रहा है यूपी में, हर जगह हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहे, हाईवे बन रहे, यूपी में हर जगह विकास हो रहे है। हाँ बिल्कुल हो रहे है, बिल्कुल। फैक्ट्री खोल देते, रोजगार मिल जाता, रोजगार भी मिल रहा है नोएडा जैसे सेक्टर में, हर जगह रोड ना, यूपी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई ना, मतलब वो इंडिया में स्टेट्स में, तो फिर विकास तो कुछ हो ही, काम तो चल ही रहा है। मंदिर भी तो रोजगार दे रहा है आपको, टूरिस्ट होगा वहाँ पे, कैब वाले होंगे, ऑटो वाले होंगे, मंदिर में प्रीस्ट होंगे, होटल्स होंगे, सब कुछ, तो रोजगार तो है ही, कैसे ना कैसे। और क्या उससे ज्यादा रोजगार आपको लगता है किस चीज में होगा? इतने सारे लोग एक दिन एक जगह आएंगे तो वहाँ के उनके अकोमोडेशन हो गया। एनर्जी जो हर समय मुखर थी, इस मुद्दे पे एकदम शांत बैठी हुई है, उनका जाने का प्लान नहीं हो रहा है। अरे छोड़ो उन्हें, उन्हें छोड़ो, उनके आने ना आने से फर्क, वो बंगाल में ही राजनीति करें, वो बंगाल के लिए ही सीट बनी हुई है, और यहाँ यूपी में नहीं आ सकती हूँ। वो नमाज पढ़ने जाओ, वो हिंदू ये क्या, वो क्या नाम है, जब वहाँ की पूजा होती है दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देती हैं, मुहर्रम के लिए बढ़ावा देती हैं, तो वो खाली वो बंगाल में ही कर सकती हैं और कहीं नहीं कर सकती हैं। अरे वो तो जब मंच का उद्घाटन करने जाती हैं तो संस्कृत में श्लोक बोलती हैं भाई। हाँ आप सुने, हम तो आज तक कभी नहीं सुने संस्कृत में श्लोक, वो क्या बोलते हैं उर्दू में बोलती हैं संस्कृत। मैं रट्टा मार के यहाँ पे बोल दूँ तो हो जाएगा काम? तो मैं रट्टा मार के, मैं रट्टा मार लेता हूँ ना, 2 मिनट पीछे, ठीक है, थैंक यू।